आज 4 मई है और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का पहला चरण है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 9 मंडलों के 37 जिलों में आज मतदान होने हैं और मैं आज फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के छदामी लाल महाविद्यालय के बूथ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको यहाँ की जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सुबह से ही लगातार जो वोटर हैं वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सुबह के टाइम पर थोड़ी वोटरों की संख्या कम थी यहाँ पर, और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे जो आप ये लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, क्योंकि बूथ यहाँ से थोड़ा अंदर है और ये आप देख रहे हैं ये वोटर ये वोट डाल के आ रहे हैं। और मैं आपको सिक्योरिटी की नज़र से बता दूं तो यहाँ पर ये संवेदनशील इलाका है, क्योंकि कल ही जनपद फिरोजाबाद में एक ऐसा कांड हुआ, क्योंकि एक फिरोजाबाद के थाना लाइन पार इलाके के नगला विष्णु इलाके में एक पार्षद प्रत्याशी के बेटे को कल गोली मार दी गई थी, जिसके बाद से फिरोजाबाद में 2 जोन में फिरोजाबाद के जो बूथ हैं उनको बांटा गया, एक संवेदनशील और एक अति संवेदनशील इलाकों में उनको बांट दिया गया है। तो ये एक संवेदनशील इलाका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ADG और IG खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, IG राजीव जी यहाँ पर आके खुद मॉनिटरिंग की, और ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है, कहीं कोई ऐसा असामाजिक तत्व ना आए जो कि वोटिंग बूथ पर हंगामा कहीं हो सके। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, KIA न्यूज़ फिरोजाबाद।